हम सीधे आपको ले चलते हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से मुखातिब। पांव में पट्टे क्यों बंधे, इसका राज क्या है? आदरणीय राजेंद्र सिंह जी गहलोत साहब ने, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ने, आदरणीय किरोड़ी लाल जी ने और उसके अतिरिक्त भी अन्य व्यक्ताओं वक्ताओं ने वो राज को जानने की खोलने की कोशिश की थी। मैं आज सब मीडिया के मित्रों के सामने उस राज का पर्दाफाश करना चाहता हूं, क्योंकि 7 तारीख तक ये पट्टा नहीं खुलेगा। अगर पट्टा खुलेगा तो खुद को जाकर के न्यायालय में खड़ा होना पड़ेगा। ये न्यायालय में जाकर के खड़े होने से छूट लेने के चलते ये गाड़ी जो है पांव में कील चुभा करके पंचर होकर के बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग थे, हो सकता है व्यक्तिगत विषय होगा, आजकल आई फ्लू बहुत फैल रहा है, कोई और कारण होगा। मेरी इनसे चर्चा नहीं हुई है इसलिए इसके बारे में मैं कोई भी उत्तर देने में असमर्थ हूं। लेकिन मुझे लगता है कि विषय ये नहीं है कि कौन आया और कौन नहीं आया, विषय यह है कि कई 100 किलोमीटर की दूर से यात्रा करते हुए सुदूर मध्य प्रदेश के बॉर्डर से, रावतभाटा से, राजस्थान के पश्चिमी कोने से, जैसलमेर से, बाड़मेर से 5-6-7-700 किलोमीटर यात्रा करके लोग आए थे। उधर सुदूर बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से लोग आए थे, गंगानगर से लोग आए थे, सूरतगढ़ से लोग आए थे, हनुमानगढ़ से लोग आए थे, राजस्थान के हर कोने से लोग आए थे। और वो केवल खुद आए थे ऐसा नहीं, वो जो जनाक्रोश धरातल पर है अपने गांव में ढाणी में, उस जनाक्रोश का संदेश लेकर के इस गहलोत साहब की सरकार को, वर्तमान की इस अराजक सरकार को बेनकाब करने के लिए यहां आए थे। ये संकल्प लेकर के आए थे कि अब राजस्थान इनको और सहन नहीं करेगा। चलो, धन्यवाद मित्रों का। शेखावत को आप सुन रहे थे और आज के प्रदर्शन को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि अगली खबर का रुख करेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी में किया गया।